Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you great and doing fabulous in your life. And I just wake up and saw something is a bad news. पहले एक दो घंटे मतलब मैं ऐसा रहा कि भाई क्या हो गया, बट मतलब कि आई डोंट हैव एनी वर्ड फॉर दिस कॉज इस सो एकदम जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा क्या बोलूँ इसके बारे में. एनीवेज वेलकम बैक, बता दो क्या हुआ. तो सीन कुछ ऐसा हो गया कि इवन आई डोंट नो कि सीन मतलब कि हे मतलब हाउ आई एम लकी कि मैं बच गया. देखो सीन कुछ ऐसा हो कि मेरे पिछले दो ब्लॉग जिसने नहीं देखे वो जाके जरूर देख लेना. बिकॉज ऑफ जिसमें मेरा पहला ब्लॉग था, मैं जिस बस से ट्रैवल कर रहा था मतलब मुंबई से सांगली, उसका हो गया था एक्सीडेंट. मतलब एक्सीडेंट हो गया था, इट्स रियली डेंजरस. क्योंकि मतलब मैं गाँव गया, पहले बात तो गाँव उतरा एंड देन आई एम कम बैक एंड जस्ट आई एम जस्ट कम बैक एंड मॉर्निंग अपने ब्लॉग देख ही ले रहेंगे. और आई जस्ट वॉक वेकअप एंड जस्ट सॉ द गिविंग अप. मेरे साथ वो ट्रैवल कर रहा था ना भाई सागरला, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे कुछ सेंड किया एंड आई जस्ट चेकआउट क्या सेंड किया है. उसे पहले इन्फॉर्मेशन सेंड की ऐसा ऐसा हो गया एंड देन उसने फोटो सेंड किया एंड जस्ट ही कॉल मी कि आप उन जिस गाड़ी से बस से ट्रैवल कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया एंड हम सो लगे. उसके मेरे एक दो घंटा उससे बात चल रही भाई इसे कैसे ये सब ये सब. मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा ना, मेरे पास बहुत प्रूफ है. मेरा पहला वाला ब्लॉग जाके देख लेना, मैं जिस बस से ट्रैवल कर रहा था उसका नंबर भी सेम है, मेरे पास इमेज भी है थंबनेल के लिए ली थी मैंने. मैं आपको दिखा था जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसमें मेरे पास फोटोज भी व्हाट्सअप. मतलब इतना डेंजरस हुआ कि पूरा एक दो जन की डेड हो गई उसमें लिटरली गाइस. सो बैड एंड हाउ आई एम सो लकी कि मतलब समझ रहे हो ना भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है यार. और ज्योतिर्लिंग कृपा उस ट्रैवल का नाम था. सो इट्स टू डेंजरस कॉज मतलब समझ जाओ, मेरे को बोलने को नहीं हो रहा. घर वाले भी मतलब थोड़े है कि हाँ वो रहता ना अंदर से बता नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते वो वाला मोमेंट. मे बी गाइस इफ यू अंडरस्टैंड वाई से आपको दिखाता हूँ, ट्रस्ट नहीं होगा बेटा. तो देखो व्हाट्सअप दिख रहे हो, व्हाट्सअप इमेजेस लाइन से सब मेरे पास व्हाट्सअप इमेजेस है. आपको एक एक फोटो दिखाता मैं. देखो ये बस का ट्रैवल एक्सीडेंट हो गया, अपने थंबनेल में देख ही ले रहे होगे. देखो ये देखो, अरे यार बाप रे. देखो देख सकते हो आप एग्जिट सब कुछ. हाँ बस देख ली आपने भाई, जो स्लीपर थी देख सकते हो ऊपर. ये देखो ठीक है, स्लीपर थी सेम. हाँ क्या, और इधर इधर तो गौर फरमाइए अम्बा. और नीचे देखो 1BR010. हाँ क्या, अब इसमें नंबर प्लेट पूरी नहीं दिख रही. वेट आई विल शो यू बिग समथिंग. किधर गया किधर गया किधर गया. ओके इसमें आई थिंक नंबर प्लेट अभी मैं मेरा दिखाता हूँ. वेट मैंने थंबनेल बनाया था, देखो ये मेरा थंबनेल था बराबर. हाँ अब देखो थंबनेल में कुछ दिखाता हूँ. ये दिख रहा है अम्बा. चलो MH1DR 0801. और बस देखो सेम. रुको आई विल शो यू समथिंग. किधर गया, हाँ अब R0 बराबर. आई देख सकते हो 01R सेम भाई लिटरली. और सबसे देखो तो नंबर प्लेट का एक बार, इधर अंबा लिखा है राइट, देख सकते हो. एंड ज्योतिर्लिंग कृपा देखो, आपको इतना साइड देख के मटेरियल समझ में आया रहेगा. देखो अरे किधर ओपन हो जा भाई, क्या कर रहा है. हाँ देखो इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें देख सकते हो आप. ये देखो बस का साइड पूरा पूरा कार्यक्रम लोगों ने परचेस करा. आई डोंट नो एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन इट्स टू बैड यार. मतलब कि लिटरली ऐसा मतलब सोच भी नहीं सकते हो सकता है. और अपन बच गए इसमें, इस मतलब रियली डेंजरस की अपन इसमें बच गए. यही बस थी दोस्तों और मैं इसमें ट्रैवल करता. मतलब कि समझ जाओ क्या बोलना चाहता हूँ. टॉकिंग न्यूज़ है मेरे लिए भी और आपके लिए भी और मेरे दोस्तों के लिए भाई. हाँ भाई बच तो गया, मतलब मैं उसमें ना आया था, मैं उतरा एंड देन आई कम बैक एंड दूसरे दिन देखता हूँ तो एक्सीडेंट हो गया. मुझे जिस रात में निकल रहा था गाँव से उसी रात, पिछले दो ब्लॉग देख लेंगे उन लोगों को सारा समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या नहीं. मतलब मैं अभी नहाया भी नहीं और ब्लॉग बना रहा हूँ. ब्लॉग तो मैं बोल सकता हूँ, वीडियो एक तरीके से. और आपकी दुआ है मेरे साथ तो आई सो विश लाइक. और जो डेथ हो गया पर्सन
जो मर गए उनके फैमिली वालों को क्या ये लगता रहेगा। मतलब कि मैं बहुत सारे एक्सीडेंट से गुजरा हूँ, मेरे को फील मालूम है कैसे रहते हो और कैसे नहीं, समझ रहे हो। इट्स टू डेंजरस सिचुएशन, इज सो क्रिटिकल, सो मच क्रिटिकल, एंड वी कांट हैंडल विथ और माइंड। दिस टाइम द माइंड एब्जॉर्ब हो चुका है, पूरा कार्यक्रम होता माइंड का, समझ सकते। और ये ब्लॉग आई थिंक सो मैं डालूंगा, अगर पहले मैं पूछता हूँ किसी को डाल सकता हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रखता हूँ, क्योंकि हाँ भाई ऐसा भी चीज़ होता है आपको कंटेंट में, हाई आई एम सो लकी एंड आपकी दुआएं भी मेरे साथ इसकी वजह से। और मालूम भी पड़ना चाहिए भाई कि क्या चल रहा है हर जगह, कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि एक्सीडेंट होते हैं ऐसे भी ट्रैवल्स के, भाई होते हैं हमारे साइड भी। मेरे को एक ने कमेंट किया था इसलिए बता रहा हूँ, डोंट कुट मी ऑन दिस, बुरा मत मान लेना, आई एम सो सॉरी आपको बुरा लगा रहेगा, आई एम सो बैड एंड रेस्ट इन पीस जिनका डेड हुआ है, एक ही आई थिंक सो एक जन ही उसमें डेड हो गया, उसका बहुत प्रवचन हो गया दोस्तों। एनीवेज थैंक्स फॉर द ब्लॉग देख रहे हो एंड इज सो क्रिटिकल। बाय द वे शिरवल फाटे की तरह एक्सीडेंट हुआ है बस का, आई डोंट नो मालूम कैसा है, उनमें बोला कंटेनर बीच में आ गया, एक्सीडेंट हो गया, सारी न्यूज बता रहे अभी, उसको ड्राइवर की नींद आई, कोई किसी आंखों से नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एंड रेस्ट इन पीस जिन जो लोग मरे गाड़ी के अंदर, जिनकी आत्मा अमर रहे, आत्मा सुखी रहे, उनके घर वाले भी सुखी रहे, मैं यही प्रे कर सकते, इसके आप ऊपर क्या कर सकते हैं भाई साहब, बहुत डेंजर यार देख के, मतलब घर वालों को मालूम नहीं अभी तक, मालूम है क्या। चलो एनीवेज रखते ब्लॉगर नहीं सच, बहुत गंदा यार।